same operations performed with the during arithmetics or arithmetic operators. What are these operations? इसके साथ जस्ट पॉसिबल क्या पूछा गया गया आपको कैलकुलेट एंड डिस्प्ले रिवर्स ऑफ द डिजिट ऑफ एनी इंटीजर नंबर. इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सबसे पहले खुद से कोई भी इनपुट एक्सपेक्ट कर लो देन इनपुट के बेसिस पर कंसिडर क्या करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट. इस केस में सपोज दैट इनपुट्स के केस में आपने इनपुट में रन टाइम में एंटर किया एनी नंबर लाइक एनी डिजिट नंबर लाइक 268. इस नंबर्स के अंदर 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं 4 डिजिट भी हो सकते हैं 5 डिजिट भी हो सकते हैं एनी डिजिट नंबर. इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए मींस रिवर्स ऑफ द डिजिट्स. मींस इस केस में जब सेम नंबर रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करें सबसे पहले क्या आएगा 8 देन सेकेंड केस में क्या आएगा 6 नेक्स्ट 2. दिस इज मीन्स अगर करेस्पॉन्डिंग गिवन इनपुट है देन इसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए 862. मीन्स अगर भी मैंने 3 डिजिट के केस में शो किया सपोज दैट सेम एज पर इनपुट नंबर 4 डिजिट में एंटर किया 4629 देन इसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट वन 9 नेक्स्ट वन 2 नेक्स्ट वन 6 नेक्स्ट वन इज 4. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाइक दैट. अगर आपको लॉन्ग मीन्स वेरी लार्ज नंबर के केस में ऑपरेशंस परफॉर्म करना है डेटा टाइप यूज करेंगे या लॉन्ग अगर 3 या 4 डिजिट या 5 डिजिट्स तक के नंबर आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है यूज करें डेटा टाइप एज इंटीजर. इसे डेटा टाइप डजंट मैटर मीन्स आपको कॉन्सेंट्रेट करना ओनली एक्चुअल लॉजिक्स. ड्यूरिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन डिजिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किए थे 3 ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन मॉड्यूलो. मॉड्यूलो ऑपरेटर का जनरली वर्किंग क्या रहेगा मीन्स अगर किसी भी नंबर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको लास्ट डिजिट रीड करना ओनली वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट या सपोज दैट इस केस में नंबर क्या है इफ नंबर इज 268 इस केस में रियल में रिवर्स नंबर्स के लॉजिक्स क्या होंगे लाइक दैट वन बाई वन. फर्स्ट वन नंबर क्या गिवन है इस केस में 268 सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग लास्ट डिजिट है एग्जिस्टिंग लास्ट डिजिट को रीड करेंगे. रीड करने के बाद इसको इंसर्ट केस में करा लेंगे इनसाइड एक्सपेक्टेड आउटपुट वेरिएबल. इस रीड क्या हुआ 8 इनसाइड भी क्या हुआ 8. लेकिन किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रीड करने के लिए ऑपरेशन क्या है नंबर मॉड्यूलो 10. किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर ऑलवेज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ऑलवेज लास्ट डिजिट. इससे परफॉर्म क्या हो रहा है रीडिंग वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट. किसी नंबर का लास्ट डिजिट रीड करना ऑलवेज परफॉर्म करें मॉड्यूलो बाय 10. फॉर एग्जाम्पल्स 268 इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना इसका डिवीजन क्या आएगा इस केस में डिवाइड कितनी बार हुआ 2 टाइम्स मीन्स 20 सब्ट्रैक्शन 6 नेक्स्ट टाइम कैरी क्या रहा 8 नेक्स्ट टाइम डिवाइड कितनी बार होगा 6 टाइम्स 10 60 सब्ट्रैक्शन. इस केस में रिमाइंडर क्या है 8. इस अगर आपको रिमाइंडर रिक्वायर्ड है तो यूज क्या करेंगे मॉड्यूलो बाय 10 और डिवीजन रिक्वायर्ड है तो यूज क्या करेंगे डिवाइड बाय 10. मीन्स डिवीजन आपको क्या दे रहा है इस केस में अगर आपको ओनली लास्ट डिजिट रिक्वायर्ड है देन मॉड्यूलो ऑपरेटर. अगर आपको लास्ट डिजिट को रिमूव करने के अलावा एक्सेप्टिंग लास्ट डिजिट रिमेनिंग पार्ट आपको रिक्वायर्ड है यूज करें डिवाइड बाय 10. इसे डिवाइड ऑपरेटर का वर्किंग क्या है रिमूविंग लास्ट डिजिट और मॉड्यूलो ऑपरेटर का वर्किंग क्या है रीडिंग लास्ट डिजिट. अगर आपको लास्ट डिजिट आपको रिमूव करना है यूज क्या करेंगे नंबर डिवाइडेड बाय 10. इस केस में ऑपरेशंस का टाइप क्या है रिमूव ऑपरेशन रिमूव और डिलीट ऑपरेशंस लाइक दैट. मीन्स अगर नंबर के केसेस में सपोज दैट अगर नंबर क्या है 268 इफ नंबर इज 268 देन इस केस में रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट इज 8 देन सेकेंड केस में नंबर क्या है 268 इन दैट केस रिजल्ट क्या आएगा इस केस में 26 मीन्स इट विल रिमूव लास्ट डिजिट एंड रिटर्न्स रिमेनिंग डिजिट्स एक्सेप्टिंग लास्ट. अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल है इस नंबर के केसेस में लास्ट प्लेस पर अगर न्यू डिजिट इंसर्ट कराना है लाइक अ 5 मीन्स 268 के लास्ट में नंबर क्या है 268 लास्ट प्लेस पर इंसर्ट क्या कराना है समथिंग 5 इस केस में यूज क्या करेंगे 2 से मीन्स जो भी नंबर के बिना है नंबर मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस इंसर्टेड डिजिट्स. सपोज दैट डिजिट क्या है इफ डिजिट इज 5 नंबर क्या है इस केस में 268 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा 260 रिजल्ट क्या आएगा
268 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 2680 प्लस इंसर्टेड डिजिट अगर 5 देन प्लस 5 रिजल्ट क्या आएगा इसका 2685 तो इसके इसमें ऑपरेशन का टाइप क्या है इंसर्ट ऑपरेशन। फाइनली थ्री टाइप्स के ऑपरेशन है रीडिंग इस ये तीनों ही ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में है रिगार्डिंग लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट ऑपरेशंस परफॉर्म करना ऑलवेज यूज क्या करेंगे दीज थ्री केसेस। अगर लास्ट डिजिट आपको ओनली लास्ट डिजिट का वैल्यू रीड करना देन यूज क्या करेंगे मॉड्यूलो बाय 10। लास्ट डिजिट को रिमूव करना यूज क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 10। लास्ट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर न्यू डिजिट इंसर्ट कराना इंसर्ट ऑपरेशन के केस में यूज क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट्स। सेम ऑपरेशन अर्थमेटिक के केस में आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको अभी कोई किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन रह रहा है देन सबसे पहले आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स कंप्लीट करना चाहिए प्लस थ्योरी देन आपके लिए कंटिन्यू करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन फोर एग्जांपल्स। अब इस केस में टोटल एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर वी आर हैविंग सम वेरिएबल एस नंबर नंबर के केस में रन टाइम पर मैंने कोई नंबर एंटर किया 268 देन इस केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है रिजल्ट जो भी आएगा वो किसी अदर वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ऑपरेशंस में वन बाय वन परफॉर्म कराना फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा सपोज दैट रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो मीन्स लास्ट डिजिट रीड करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या रीडिंग लास्ट डिजिट नंबर से अगर नंबर के केस में लास्ट डिजिट रीड करना देन यूज क्या करेंगे नंबर सिंपली नंबर ऑपरेशन कौन सा फर्स्ट वन रीड ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन के लिए सूटेबल ऑपरेटर कौन सा नंबर मॉड्यूलो बाय 10 नंबर मॉड्यूलो बाय 10 ऑलरेडी शेयर है अगर नंबर 268 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 268 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा रिमाइंडर इज 8 रिजल्ट क्या रहा है इस केस में 8 इसे प्रोवाइड किया गया सिंपली आपको 8 प्लस डिजिट रीड करने के बाद जो भी रीडिंग डिजिट है इस डिजिट को इंसर्ट किस में कराना रिजल्ट में जिस वेरिएबल में इंसर्ट कराना है इंसर्ट के केस में ऑपरेटर कौन से यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट मीन्स इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंसिडर कर लेंगे या डिजिट प्लस डिजिट एड किस में कराना है नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर मीन्स उस वेरिएबल का नेम आएगा जिसमें आपको डिजिट इंसर्ट कराना है इंसर्शन किस में कराना रिजल्ट में इसलिए फॉलो करेंगे रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस असाइनमेंट भी किस में कराना है चेंजेस किस में करना है मीन्स जो भी ऑपरेशन आएगा रिजल्ट में स्टोर कराना है नंबर में रिजल्ट में यूज क्या करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू दैट ऑपरेशंस। टेस्ट करते हैं इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो सबसे पहले मल्टीप्लाई टेस्ट करेंगे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग रिजल्ट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 इज जीरो प्लस नंबर नंबर का वैल्यू क्या है 268 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 8 फाइनली इस केस में इसका एडिशन क्या रहा है 8 आसानी किस में हो जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में नाउ न्यू वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 8। नेक्स्ट वन मीन्स इस केस में नंबर के केसेस में लास्ट डिजिट रीड करने के बाद लास्ट डिजिट इंसर्ट भी करा चुके रीड एंड इंसर्ट फिर से अब नेक्स्ट टाइम रीड क्या करना है नेक्स्ट लास्ट डिजिट मीन्स 6 इंसर्ट भी क्या कराना है 8 के बाद 6 लेकिन अब आपका जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है लॉजिक इसके लिए ओनली फॉर लास्ट डिजिट्स लेकिन अब इस केस में अगर 6 के लिए ऑपरेशन बनाना है देन पहले 6 को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा लास्ट डिजिट में और लास्ट डिजिट में कन्वर्ट करने के पहले एग्जिस्टिंग लास्ट डिजिट को रिमूव करने की नीड होगी तो रिमूव मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन क्या था रीड देन इंसर्ट थर्ड केस क्या मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन क्या है रीड देन इंसर्ट देन रिमूव रिमूविंग लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि 8 ऑलरेडी रीड हो चुका है देन 6 क्या बन जाएगा इस केस में लास्ट डिजिट तो लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए ऑपरेशन क्या रहेगा रिमूव ऑपरेशन किससे परफॉर्म रहा डिवाइडेड बाय 10 नंबर डिवाइडेड बाय 10 जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा एक्सेप्टिंग लास्ट डिजिट मीन्स 26 असाइन करके इसमें करा हुआ अगेन नंबर में ना वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 26। नेक्स्ट टाइम अब फिर से रीड क्या कराना है नेक्स्ट रीड इज 6 को रीड कराना है इसलिए यूज क्या करेंगे रीड ऑपरेशन किसके थ्रू होगा मॉड्यूलो के थ्रू नंबर मॉड्यूलो बाय 10 नंबर का वैल्यू क्या है 26 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा 6 मीन्स फाइनली इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज 6 प्लस इसको ऐड किस में कराना है
रिजल्ट के लास्ट प्लेस पर, मीन्स आफ्टर 8, इसलिए यूज क्या करेंगे, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10। रिजल्ट का वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आएगा, 80। 80 प्लस 6 बिकम्स 86, मीन्स 86 आसानी किसमें कराना है, डिजिट 6 इंसर्ट किसमें कराना है, 8 के बाद मीन्स रिजल्ट में। तो इसका रिजल्ट अगेन किसमें आसान कराऊंगी, वेरिएबल रिजल्ट के फॉर्म में, रिजल्ट की वैल्यू क्या आसान हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, 86। नाउ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 86, मीन्स अगेन रीड भी हो चुका है प्लस इंसर्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रिमूव ऑपरेशन। रिमूव ऑपरेशन कौन सा इस केस में, थर्ड। रिमूव क्या कराना अगेन फिर से 6, अगर 6 रिमूव कर दिया जाए देन नेक्स्ट ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, 2 के लिए। तो 6 को रिमूव करने के लिए अगेन यूज क्या करेंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। नंबर क्या फाउंड हो रहा है करेंटली 26, 26 को 10 से डिवाइड करो तो इंटीजर डिवीजन क्या आएगा, ओनली 2 किसमें साइन हो जाएगा, अगेन नंबर में, अगेन नंबर। नेक्स्ट वन मीन्स 6 के रिस्पेक्ट में पहले 6 को रीड किया देन इंसर्ट कराया देन रिमूव किया, फर्स्ट टाइम 8 के केस में परफॉर्म क्या हुआ था, 8 को सबसे पहले रीड कराया देन इंसर्ट कराया देन रिमूव किया, देन सेम है 6, 6 के रिस्पेक्ट में पहले रीड ऑपरेशन देन इंसर्ट ऑपरेशन देन रिमूव ऑपरेशन, सेम है। जब 2 बचा 2 के केसेस में परफॉर्म क्या कराना, पहले 2 को रीड कराओगे देन इंसर्ट कराएंगे देन रिमूव। तो रीड कराने के लिए ऑपरेशन क्या है, मॉड्यूलो बाई 10, नंबर मॉड्यूलो बाई 10। नंबर क्या है 2, 2 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ऑल्सो 2, प्लस इसको इंसर्ट किसमें कराना है, 86 के यूनिट प्लेस पर, मीन्स रीड कर चुके हैं देन इंसर्ट। इंसर्ट के लिए लॉजिक क्या रहेगा, अगेन रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10। रिजल्ट का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है इस केस में, 86 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 860 में जब 2 ऐड कराएंगे, 0 प्लस 2 इज 268, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, 862। फाइनली मैनेज या असाइन किसमें कराना है, अगेन रिटर्न बैक टू रिजल्ट, असाइन किसमें करा लेंगे, रिजल्ट में। रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 86, अब 86 इज रिप्लेस्ड बाई 862, मीन्स दिस वन इज रीड ऑपरेशन। असाइनमेंट की इसमें इसको कंसिडर किया जाए इंसर्ट ऑपरेशन, इस केस में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 के रिस्पेक्ट में रिमूव ऑपरेशन, रिमूव के लिए परफॉर्म क्या कराएंगे, अगेन डिवाइड ऑपरेटर, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10। नंबर का वैल्यू क्या है 2, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स मल्टीप्लाई किससे कराओगे 10 में, 0 से, 0 मल्टीप्लाई 10 इज 0, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा इसके इसमें 2, तो इसके इसमें रिमाइंडर क्या है 2, इसलिए ऐड भी क्या हुआ था इससे 2, प्लस डिवीजन क्या आया इसके इसमें 0, फाइनली इसका रिजल्ट 0 असाइन किस में हो जाएगा, नंबर में। न्यू नेक्स्ट टाइम नंबर का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा इसके इसमें, 0। चेक करो नंबर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर क्या था 268, रिजल्टेड और रिवर्स नंबर क्या मिला इसका 862, मीन्स नंबर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है इसके इसमें, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल नंबर्स इन दैट केस। फाइनली अब इस केस में ऑब्जर्व करें, मीन्स नंबर के अंदर 3 डिजिट्स थे, इस केस में 2 एक्सप्रेशंस कंटिन्यूअसली कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। अगर नंबर्स के अंदर 4 डिजिट्स होते देन सेम एक्सप्रेशंस कितनी बार रिपीट होने के चांसेस थे, 4 टाइम्स, प्लस ये रिपीट कब तक करें, जब तक नंबर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, मीन्स अगर कोई भी स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है इसको डायरेक्टली मल्टीपल टाइम रिपीट ना करिए, इसको प्रोवाइड किस फॉर्म में कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। इसके साथ नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है, अगर नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं देन ये लॉजिक कितनी बार रिपीट होंगे, 3 टाइम्स। नंबर के अंदर 4 डिजिट्स हैं देन 4 टाइम्स, 5 डिजिट्स हैं देन 5 टाइम्स। इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट लूप क्या रहेगा, व्हाइल लूप, मीन से ऑपरेशन कब तक चलाना है, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स जब तक नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा है, और सिंपली राइट क्या कर सकते हैं इस प्लेस पर, नंबर, जब तक नंबर, मीन्स अगर इस टाइप से भी सप्लाई करेंगे लाइक अ नंबर, फर्स्ट टाइम नंबर क्या था 268 नॉन जीरो वैल्यू था इसलिए ट्रू, नेक्स्ट टाइम नंबर क्या हो जाए 26 अगेन नॉन जीरो ट्रू, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता ओनली 2 अगेन ट्रू, नेक्स्ट टाइम क्या जाए 0, 0 मीन्स फॉल्स। इसके केवल नंबर पास करो या नंबर ग्रेटर देन 0 पास करना, दोनों के मीनिंग कैसे होंगे, सेम
लाइक दैट। देन इस केस में लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता है। तो इस केस में ऑपरेशंस भी कब तक एग्जीक्यूट होंगे, जब तक नंबर जीरो नहीं हो जाता। जब नंबर जीरो होगा देन नंबर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका, प्लस रिवर्स वैल्यू असाइन किस में हुआ, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट। फाइनली इस प्रोग्राम को कंप्लीटली राइट डाउन करने के लिए यूज क्या करेंगे, सोर्स कोड है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस। इस प्रॉब्लम के केसेस में इटरेटिव वेरिएबल आई की नीड नहीं होगी, बिकॉज इस केस में नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ नंबर। फाइनली टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस यूज करेंगे, ओनली नंबर कॉमा वेरिएबल है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। देन पुट्स एंटर टू नंबर्स, सॉरी एंटर ओनली नंबर। देन वैल्यू रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैन एफ ऑपरेटर्स परसेंट डी एम परसेंट नंबर। उसके बाद रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद आसानी किस्म का रिजल्ट में, इसलिए वैल्यू किसका डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ रिजल्ट। रिवर्स इज परसेंट डी डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिजल्ट। मीन्स इस कोड के थ्रू किसी भी नंबर को रिवर्स करना पॉसिबल है, रन टाइम पर थ्री डिजिट नंबर भी एंटर करना पॉसिबल है, फोर डिजिट नंबर भी एंटर करना पॉसिबल और एनी डिजिट नंबर। मीन्स मैंने कंप्लीटली सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया। अगेन प्रैक्टिस के लिए आप फिर से कोई भी नंबर खुद से रीड कर लेना, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ इस केस में। नेक्स्ट टाइम सपोज मीन्स जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, टू वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, नंबर एंड वेरिएबल रिजल्ट। देन जब इसको आप खुद से ट्राई करोगे, रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। रन टाइम पर जब स्कैन एफ एग्जीक्यूट हो, कोई भी नंबर खुद से एज्यूम कर लो एज 4621 लाइक दैट इन दैट केस। तो इस केस में जब इसको इंटरप्रेट करो, बार बार लूप चलाओ, बार बार सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होगी अगेन लाइक दैट। फर्स्ट टाइम नंबर का वैल्यू क्या है, 4621, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू है जब ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10, रिजल्ट का वैल्यू क्या है, जीरो, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जीरो, प्लस नंबर का वैल्यू क्या है, 4621, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, लास्ट डिजिट मीन्स 1, 0 प्लस 1 इज 1 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट। नेक्स्ट वन उसके बाद अप्लाई किया, मीन्स 1 को रीड कर चुके हैं, 1 इंसर्ट भी करा चुके हैं, देन 1 को रिमूव करने की जरूरत है, इसलिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा इसका, नंबर एक क्वेश्चन, नंबर डिवाइडेड बाई 10, नंबर को 10 से डिवाइड करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में, 462 आसानी किस में जाएगा, नंबर में। Now value of number becomes 462. Next time body complete होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में नंबर का करंट वैल्यू पास होगा 462, अगेन नॉन जीरो नंबर पास हो रहा है, मीन्स कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट टाइम फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट वन परफॉर्म क्या हो रहा है, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10, रिजल्ट क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 10, प्लस नंबर मॉड्यूल बाई 10, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट मीन्स 2, 10 प्लस 2 बिकम्स 12, 12 इज असाइन टू द रिजल्ट, रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या करेंगे, डिवीजन ऑपरेशंस, मीन्स लास्ट डिजिट को रीड करा चुके हैं, इंसर्ट करा चुके हैं, रिमूव दिस, रिमूव करने के लिए यूज क्या करेंगे, नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर क्या 462, डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा 46, असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा 46। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंट्रोल जब कंडीशन में जाएगा देन रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ नंबर और नंबर का वैल्यू क्या है 46, अगेन नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट वन बॉडी फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम जब ऑपरेशन परफॉर्म, रिजल्ट का वैल्यू क्या है वो 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 120, प्लस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, 120 प्लस 6 इज 126 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, वैल्यू क्या 126, 6 रीड भी हो चुका है, इंसर्ट भी हो चुका है, देन डिवाइड कर रिमूव करने के लिए यूज क्या करेंगे, डिवाइड क्या 46 डिवाइड बाई 10, डिवीजन क्या आएगा 4, 4 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नंबर का न्यू वैल्यू क्या होगा इस केस में 4। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में क्या पास करेंगे, करंट वैल्यू ऑफ नंबर 4, अगेन ट्रू, देन जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, रिजल्ट का वैल्यू क्या है 126, 126 मल्टीप्लाई बाई 10 बिकम्स 126, 0, प्लस नंबर क्या है 4, 4 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 4, फाइनल इसका एडिशन क्या आएगा 1264, 1264 आसान किस में हो जाएगा, रिजल्ट में। नेक्स्ट टाइम
फोर्थ टाइम परफॉर्म क्या कराना है, नंबर डिवाइड बाय 10, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे देन डिवीजन क्या आएगा 0, 0 नंबर में असाइन हो जाएगा, नंबर का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अगेन कंडीशन टेस्ट हुआ तो नंबर के प्लेस पर क्या पास करेंगे 0, 0 मींस फॉल्स, फॉल्स से बाहर आएंगे डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ रिवर्स, तो रिवर्स के केसेस में रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ 1, 2, 6, 4, इस टाइप से प्रोग्राम को इटरेट करके सॉल्व करना पॉसिबल है।